मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि 2040 या 2050 के बीच में इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। सबसे बड़ी दुनिया की मुईशियत होगी चाइना, चाइना के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया होगा। $1 अरब का सवाल है बाबा, बांग्लादेश के पास $76 अरब हैं, इंडिया के पास $400 अरब हैं, 600। आप जो डिफॉल्ट करने जा रहे हैं है कि यूएसए भी इंडिया के सामने झुकने लग गया है। वो कैसे कि यूपीआई जो कि 2016 में इंडिया में मुतारिफ करवाई गई थी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डिजिटल टेक्नोलॉजी जो इंडिया में मुतारिफ की गई थी, आज इंडिया में 30 करोड़ से ज्यादा लोग उसको यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान अभी आज की न्यूज है, पाकिस्तान जो है गधे भेज रहा है चाइना में। क्या हमारे को कैसे नचा रहे हैं यूएस जो कि इसके अगेंस्ट था। आज यूएस ने इंडिया से डिमांड की, रिक्वेस्ट किया कि ये टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में भी होनी चाहिए, मुतारिफ करवाई जाए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान सिर्फ इस टेक्नोलॉजी जिसे नहीं बल्कि बिटकॉइन, बाइनांस और बहुत सी चीज़ों में टेक्नोलॉजी के लिहाज से पीछे है। एक्चुअली मोदी जो है ना वो बहुत एक शार्प माइंडेड और बहुत ज़्यादा ना वो मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है, लोगों को उससे इख्तलाफ है, लेकिन ये है कि वो अपनी पब्लिक को जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलीफ्स देते हैं। क्यों पीछे है अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, 75 सालों में वो लोग इतना आगे चले गए, मार्स, स्पेस, मून तक चले गए और आज हम आज भी विद इन चाइना हेल्प चीज़ों को भेज रहे हैं स्पेस में या टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इंडिया देखें कहाँ है पाकिस्तान, वो खैर नज़र भी नहीं आ रहा मुझे। जो कि ऑनलाइन बैंकिंग प्राइवेट ऐप थी इनकी इंडिया में, ठीक है, उसके बाद इंडिया में डिजिटल जो वो है क्या कहते हैं करेंसी, उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई है। उसके साथ साथ देखा जा सकता है कि ये बहुत ज़्यादा वैलिड साबित हुई, बहुत ज़्यादा मतलब एक बेनिफिट इससे नज़र आया। इसका बेनिफिट क्या था कि फ्रांस ने सबसे पहले इसको अपने मुल्क में लीगल किया एज अ गवर्नमेंट लेवल, फिर अब उसके बाद रशिया ने किया और इंडिया में बिजनेस बहुत ज़्यादा इसका बढ़ चुका है। अगर हम देखें तो लोगों के लिए क्या बेनिफिट है, बिल्कुल फ्री है ये टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शन के लिए। अगर हम इसके अलावा बात करें दूसरे मुल्कों की, तो दूसरे मुल्कों में भी ये आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जाए। नमस्कार दोस्तों, इंडिया में डिजिटल पेमेंट को लेकर एक क्रांति सी आ गई है और इसके चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में भी यूपीआई को लेकर डिबेट होती रहती है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद इंडिया में डिजिटल पेमेंट को कैसे लागू कर दिया। आजकल कोई भी हिंदुस्तान के लोग पेमेंट पेटीएम, गूगल पे और फिर फोन पे से ही कर लेते हैं और सारे पाकिस्तानी यही सोच रहे हैं कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है क्या। इंडिया ने तो यूपीआई बहुत से यूरोपियन कंट्री में भी स्टार्ट करने का एग्रीमेंट कर लिया है। एक दिन पहले ही सिंगापुर के साथ एग्रीमेंट भी हो गया है। ज्यादातर पाकिस्तानी को डिजिटल पेमेंट के बारे में भी नहीं पता है कि ये चीज़ होती क्या है। इंडियन यूपीआई को लेकर पाकिस्तानी यूट्यूबर ने पाकिस्तानी पब्लिक से कुछ क्वेश्चन किए, तो आप भी इनके मजेदार जवाब सुनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 2016 में यूपीआई का इनिशिएटिव लिया, ये बहुत जबरदस्त था और ये बहुत बड़ी इनोवेटिव इनोवेशन थी। और इनका वैसे तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी बैकग्राउंड है, लेकिन उस वक्त के बाद से इनके पास रेवेन्यू मंथली जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो काफ़ी आना शुरू हो गए। और उसका सबसे बेनिफिट उनको ये हुआ कि ट्रांजैक्शन में जो बैंक लोग चार्जेस देते थे मुख्तलिफ किस्म के, 500 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन देते थे, खास 5,000 रुपये अभी आपने भेजना है तो ये आपको ट्रांजैक्शन पे करनी पड़ती थी, उधर भी थी इधर हमारे पास भी है। लेकिन अब वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और हम लोग आज भी वो 500 रुपये के करीब एक अमाउंट है जो हम पे कर रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारे ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इसको लॉन्च ही नहीं होने दे रहे। सिर्फ इसी वजह से नहीं होने दे रहे कि उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। क्या लगता है कि आज दुनिया से सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में हमारा मुल्क पीछे है, क्या रीजंस हैं और क्या लगता है आने वाले टाइम में हम लोग इस चीज़ को कवर कर पाएंगे? हिस्ट्री में जाऊँगा क्योंकि पाकिस्तान एज ए मुस्लिम, जब 1857 में हमने एक तहरीक शुरू की सर सैयद अहमद खान में, और उस तहरीक में उन्होंने अंग्रेजी तालीम की तरफ फोकस ही नहीं दिया, बल्कि किसी भी तालीम के नहीं, उन्होंने इतनी एफर्ट की मुसलमानों को रागिब किया कि आप बस कम बेसिक एजुकेशन ले तरफ आए, दुनिया आप निकल जाएगी। दुनिया का यूरोप तरक्की कर रहा था और हम लोग उस वक्त भी ये थे कि हिंदू शिया व्हाटएवर, हम इन चीज़ों में फंसे हुए थे। हिंदू जितने भी थे वो अपनी एजुकेशन पे फोकस कर रहे थे। आज भी आप देखिए बेंगलोर, कोलकाता, उनके एजुकेशनल हब इसी वजह से हैं कि वहाँ के लोगों ने अपना फोकस इतना एजुकेशन पे किया है कि वहाँ की जो छोटी रियासतें हैं केरला वगैरह, उन लोगों को हिंदी आती ही नहीं है, उनकी बेसिक लैंग्वेज है और उसके बाद इंग्लिश, और हमारी और बेसिक लैंग्वेज दूर की बात, हम आपस में एक दूसरे से प्रॉपर्ली मुल्क के अंदर नहीं बात कर सकते। उर्दू पे भी अगर हम देखें तो हमारी ग्रिप नहीं है बिल्कुल। क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में इंडिया टेक्नोलॉजी में बीट कर पाएगा यूएस, चाइना और जापान जो कि 3 मुल्क माने जाते हैं टेक्नोलॉजी? मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि 2040 या 2050 के बीच में
इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर, सबसे बड़ी दुनिया की मवेशियत होगी चाइना, चाइना के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया होगा और टॉप टेन में पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। इवन अब आप अगर तरक्की पजीर ममालक में देखें, पाकिस्तान के जो लेवल के मुल्क थे जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, मलेशिया बहुत आगे निकल चुका है, इंडोनेशिया विल बी द नेक्स्ट टॉप थ्री रैंकिंग में। इंडिया के बाद जो फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है वो इंडोनेशिया आ रहा है। इंडोनेशिया जैसा मुल्क जो सलाब में डूबा हुआ है, वहाँ पे पानी, वहाँ की मवेशियत इतनी ख़राब थी, वो उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें और टेक्नोलॉजी में इतना हमसे आगे चले गए हैं कि आप वो रिसर्च देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम लोग स्टैंड ही कहीं नहीं कर पा रहे। 25 करोड़ आबादी का मुल्क आज टॉप 10 में भी नहीं बन रहा, 2050 में भी। सर आपको कट कर रही हूँ, लेकिन आपने कहा 25 करोड़ आबादी, हम अपने पाकिस्तानी से जब सवाल करते हैं ना तो वो ये कहते हैं कि इंडिया एक बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है, अगर हम ह्यूज पॉपुलेशन को देखें तो हमारा मुल्क बहुत छोटा है, इस वजह से हमारे यहाँ से टेक के लोग नहीं निकलते। क्या आपको लगता है कि एक पॉपुलेशन मैटर करती है या आपके पास वो एबिलिटीज, आपके पास वो जो है स्पोर्ट होनी चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको मुहैया की जाए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए तभी इंसान निकलते हैं, या सिर्फ एक ह्यूज पॉपुलेशन ही मैटर करती है? ह्यूज पॉपुलेशन मैटर ज़रूर करती है, लेकिन वो इतनी मैटर नहीं करती कि 6 करोड़ मुल्क का इटली है, वो सिर्फ 6 करोड़ है और तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप जापान ले लें, उसकी जब आबादी ठीक है, जापान की आबादी ज़्यादा है, लेकिन यूरोपियन किसी भी कंट्री की 1-2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। यूक्रेन ले लें, फिलिपीन ले लें, कोई भी कंट्री चंद करोड़ में, हमारी उससे हम 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री हैं, 5वीं उसमें आते हैं। अगर हम देखें हम 5वीं पॉपुलेशन में आते हैं तो इंडिया 5वीं बड़ी वो जो इकोनॉमी में आते हैं यूके को बीट करके। इसके लिए अगर यूएस ने डिमांड किया तो ऑफकोर्स उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी, कोई उसको बेनिफिट अगर नज़र आ रहा है उसके अंदर या कोई एडवांसमेंट उसको नज़र आ रही है तो फिर उसने ऐसा किया। दूसरा अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम पीछे इस वजह से हैं क्योंकि हमारी जो मैनेजमेंट है या जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो लोग ऐसे हैं कि जो इस चीज़ को क्या ज़्यादा लेके आ सकते हैं यहाँ पर उस जगह पर फॉल्ट है। ऐसा नहीं है कि स्किल वाइज कहीं पे हम पीछे रह रहे हो, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं यूएस बेस्ड हैं, यूके बेस्ड हैं, फॉरेन बेस्ड कंपनीज इस तरह की हैं, जर्मनी के अंदर होता है कि जो यहाँ से लेबल लेके जाती हैं या तो या स्किल्ड पर्सन बेसिकली, या फिर वो उनसे आउटसोर्स कर रहे होते हैं, रिमोटली काम करवाते हैं या इस तरह से, तो हम स्किल में कहीं पर पीछे नहीं है। हम लोग यहाँ से जाते भी हैं तो एज अ लेबर, अगर हमें कोई बुलाता भी है, कोई हम यहाँ पर बैठ के भी काम कर रहे हैं तो फ्रीलांसर, क्या रीजंस हैं जो कि हम लोग इस तरह के ओहदों पे नहीं आ पाए जो कि इंडियंस आ गए सीईओज, ब्रांड एम्बेसडर या फिर कोई हाई पी, हम लोग लेबर की हद तक क्यों है? असल में उसके अंदर रुकावटें बड़ी हैं हमारा, अगर आप पूरा निज़ाम देखें तो रीज़न वो है। इसके अलावा कल तक अगर हम देखें तो हम अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते थे, हाल ही टेक्नोलॉजी की बात करते तो हमारी नज़र में आते थे यूएस, चाइना, जापान, इस तरह की कंट्रीज, आज इंडिया उनमें शामिल हो गया, इवन के इंडिया ने यूएस तक को इम्प्रेस कर दिया कि आज उनसे डिमांड की जा रही है। क्या रीजंस है चाइना को भी बीट कर रहे हैं, यूएस को भी, जापान को भी, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे? टेक्नोलॉजी में अगर देखें इंडिया अभी नहीं बीट कर रहा बेसिकली, वो काफ़ी अर्से से हमारे से तो खैर वो बहुत ही ज़्यादा आगे, बीट नहीं कर रहा बट आईटी हब माना जरूर जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।